तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में ड्रैकुला अपनी बेटी मेविस के साथ बातें कर रहा था और उसने अपने बेटी के लिए एक होटल भी बनवाया था ताकि वो अपनी बेटी से कभी दूर ना हो। जब मेविस बड़ी हुई तो उसकी शादी जॉन से होगी। कुछ साल बाद उन दोनों का एक बेटा भी हुआ जिसका नाम उन्होंने डेनिस रखा। होटल ट्रांसिल्वेनिया के 125th बर्थडे पर एक बहुत बड़ी पार्टी अरेंज की गई। तभी ड्रैकुला ये सोचता है कि जॉन इस पार्टी को जरूर खराब करेगा। कुछ देर बाद बिल्कुल ऐसा ही होता है, जॉन ने पार्टी को लगभग खराब ही कर दिया था। तभी ड्रैकुला कर अपने मैजिक से सब कुछ ठीक कर देता है। ड्रैकुला अपने मैजिक से सब कुछ स्टैचू बना देता है सिवाय मेविस के, क्योंकि मेविस पर ड्रैकुला का मैजिक तो काम नहीं करेगा। इसके बाद मेविस ड्रैकुला से कहती है कि जॉन मेरा हस्बैंड है, वो जैसा भी है मुझे पसंद है। रात को ड्रैकुला अपनी वाइफ एरिका से कहता है कि अब मेरा रिटायर होने का वक्त आ गया है, मैं इस होटल की जिम्मेदारी अब जॉन और मेविस को दे देना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर है कि कहीं वो सब कुछ बिगाड़ न दे। तो तभी एरिका कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो दोनों सब कुछ अच्छे से संभालेंगे। इसी बीच मेवी ये सारी बातें सुन लेती और जाकर जॉन को बता देती है। जॉन भागता हुआ ड्रैकुला के पास आता है और कहता है कि आपने हमारे लिए इतना कुछ किया इसलिए हम बहुत खुश हैं। आपने इस होटल की जिम्मेदारी मेरे और मेविस के हवाले करने का सोचा है, मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। ये सब सुनकर ड्रैकुला शॉक्ड हो जाता है और ये भी सोचता है कि ये सब कुछ इसे कैसे पता चला। तभी ड्रैकुला जॉन से कहता है कि हमारे कुछ मास्टर्स लॉ है जिसमें ये लिखा है कि होटल के 125th एनिवर्सरी पर ड्रैकुला स्पीच देने के लिए स्टेज पर आता है। एरिका और मेविस बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनको लग रहा था कि ड्रैकुला ये होटल अब जॉन और मेविस के हवाले करने वाला है। इसके पास इनको शिफ्ट करके जॉन की ओर दिखाया जाता है जो इस बात से बहुत परेशान था कि वो एक इंसान है, इसलिए वो एरिका के ग्रेट ग्रैंडफादर के पास जाता है जो कि एक साइंटिस्ट, ताकि उनकी मदद से मॉन्स्टर बन सके। अपने लैब को चेक करने के बाद वो जॉन से कहता है कि उसके पास एक ऐसी रे मशीन है जिसकी मदद से वो इंसानों को मॉन्स्टर में बदल सकता है। एरिका के ग्रेट ग्रैंडफादर सबसे पहले उस रे की मदद से एक क्यूब से पेट को मॉन्स्टर में बदल देता है। ये देखकर जॉन बहुत खुश होता है, वो मन ही मन में ये सोचने लगता है कि अब वो एक मॉन्स्टर में बदल जाए। कुछ देर बाद ड्रैकुला चुपके से बेसमेंट में आ जाता है जहाँ वो देखता है कि जॉन अब एक मॉन्स्टर में बदल गया। जॉन ड्रैकुला से कहता है कि अब तो आप होटल को मेरे और मेविस के नाम कर देंगे, अब तो मैं एक मॉन्स्टर बन गया हूँ, अब से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये कहकर जॉन मेविस और बाकी सबके पास भागने लगता है और ड्रैकुला भी रेगन को अपने हाथ में उठा लेता है और ये सोचने लगता है कि अगर मेविस जॉन को इस हालत में देखेगी तो पता नहीं क्या होगा। अगर जॉन ने मेविस से कहा कि ये सब कुछ जॉन ने मेरे कहने पर किया है तो शायद मेविस मुझे कभी भी माफ नहीं करेगी, पता नहीं अब मेरा क्या हो। ये सब कुछ सोच कर वो जॉन के पीछे भागने लगता है और रेगन शूट करने लगता है जिसकी रेज उसके दोस्तों पर गिरती है। इसी बीच रेगन की रेज ड्रैकुला पर भी गिर जाती है जिसके बाद वो ड्रैकुला से इंसान में बदल जाता है। तभी रेगन भी टूट जाता है, अब तो ड्रैकुला के पास भी कोई भी पावर्स नहीं बची है। ड्रैकुला ये सोचता है कि अब तो एरिका के ग्रेट ग्रैंडफादर ही कुछ कर सकते हैं। जब ड्रैकुला अपने आसपास देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके दोस्त जो मॉन्स्टर थे अब वो भी इंसानों में बदल चुके हैं। एरिका के ग्रैंडफादर जिनका नाम वेन था वो कहता है कि अगर मुझे एक नया स्टोन मिल जाए तो मैं इंसानों को मॉन्स्टर और मॉन्स्टर को इंसान में बदल सकता हूँ। ये सुनकर सभी बहुत खुश होते हैं। तभी वेन कहता है कि ये सब इतना आसान नहीं है, जिसके बाद वो ये भी कहता है कि ये स्टोन नॉर्थ अमेरिका में मिलता है जिससे पाने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस करने पड़ेंगे। इसके बाद इनको शिफ्ट करके प्लेन की ओर दिखाया जाता है जहाँ ड्रैकुला जॉन के साथ नॉर्थ अमेरिका जा रहा था। प्लेन में और भी मॉन्स्टर्स थे। दूसरी तरफ मेविस अपने डैड के रूम में जाती क्योंकि उससे अपने डैड की बहुत चिंता हो रही थी। जब वो रूम में जाती है वहाँ इसे एक लेटर मिलता है जिस पर ये लिखा था कि होटल को मेविस और जॉन के हवाले किया जाएगा। मेविस रूम के बाहर आती है और अपने बेटे डेनिस से पूछते है कि क्या तुमने अपने डैड और ग्रैंडफादर को देखा है। इसके बाद इनको शिफ्ट करके नॉर्थ अमेरिका की ओर दिखाया जाता है जहाँ पहली बार ड्रैकुला ने रोड क्रॉस करने की कोशिश की। उसको ये लगा कि वो सनलाइट से जल जाएगा लेकिन अब वो एक इंसान था इसलिए उसे कुछ भी नहीं। लेकिन बहुत देर सन को देखने के बाद उसके आंखें पेन होने लगी और फिर उसके पास एक गाड़ी तेजी से आ रही थी। तभी जॉन आकर ड्रैकुला को बचा कर रोड के एक साइड पर ले जाता है। दूसरी तरफ मेविस और एरिका को पता चल जाता है कि ड्रैकुला के दोस्त जो कि पहले मॉन्स्टर थे वो अब इंसानों में बदल चुके हैं और फिर उसने पर ड्रैकुला के दोस्त सब कुछ सच सच बता देते हैं। इसके बाद मेविस न्यूज में देखती है कि जॉन अब एक मॉन्स्टर में बदल गया। इसके बाद इनको शिफ्ट करके जॉन और ड्रैकुला की ओर दिखाया जाता है
जहाँ जॉन ड्रैकुला से कहता है कि हमें मैप को फॉलो करना चाहिए। जैसे जैसे ये फॉरेस्ट के अंदर जाते हैं, इनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। ड्रैकुला तो अब एक इंसान बन गया था, इसीलिए सबसे ज्यादा परेशानी उससे हो रही थी, लेकिन जॉन को ये सब कुछ एक एडवेंचर लग रहा था और उसे बहुत मजे भी आ रहे थे। ड्रैकुला को बहुत प्यास लगती है और वो एक रिवर में कूद जाता है जहाँ कुछ फिशेस उसे खाने वाली थी। इसके बाद से इनको मेविस और एरिका की ओर शिफ्ट किया जाता है, जहाँ ये दोनों विन से पूछते हैं कि आखिर जॉन और ड्रैकुला को क्या हुआ है। विन उनको सारी बातें बता देते हैं। मेविस एरिका से कहती है कि अगर हमने जॉन को वापस से इंसान नहीं बनाया तो वो हमेशा के लिए मॉन्स्टर बन जाएगा। एरिका अपने एक पर्सनल जेट की मदद से जॉन और ड्रैकुला के पास जाने के लिए निकल पड़ती। मेविस और सारे मॉन्स्टर भी एरिका के साथ जाते हैं। दूसरी तरफ जॉन और ड्रैकुला एक बड़े से माउंटेन पर होते हैं। कुछ देर में दोनों माउंटेन से नीचे गिर जाते हैं, लेकिन जॉन अपने विंग्स की मदद से ड्रैकुला को बचा लेता है और फिर धीरे धीरे रात हो जाती है। ड्रैकुला जॉन से कहता है कि इंसान बनना बहुत मुश्किल है। वहीं जॉन ये कहता है कि मुझे तो बहुत मजे आ रहे हैं। इसके बाद जॉन ड्रैकुला से कहता है कि आप इंसान बन गए, इससे आपको नया एक्सपीरियंस सीखने को मिलेगा, लेकिन आपको तो हर चीज में बुरा ही दिखाई दे रही है। और तभी एरिका मेविस और सारे मॉन्स्टर्स इन दोनों के पास पहुंच जाते हैं। जॉन मेविस को सारी बातें बताता है। इसके बाद मेविस अपने डैड ड्रैकुला से पूछती है कि मुझे तो ऐसी किसी भी मॉन्स्टर लॉ के बारे में नहीं पता, तो फिर आपने जॉन के साथ ऐसा क्यों किया? क्या आप होटल हमें नहीं देना चाहते थे, इसलिए आपने ऐसा किया? कुछ देर बाद जॉन एक बड़े से मॉन्स्टर में बदल गया। जॉन गुस्सा होकर फॉरेस्ट में चला जाता है। मेविस भी उसके पीछे पीछे चल गया। वहीं एरिका ड्रैकुला से कहती है कि हमें उस स्टोन को जल्द ही ढूंढना होगा। एरिका अपने जीप में ड्रैकुला और बाकी सभी मॉन्स्टर्स के साथ उस स्टोन को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। दूसरी तरफ मेविस जॉन के पास पहुंचती है। मेविस को देखने के बाद जॉन का गुस्सा ठंडा होने लगता है, लेकिन उसे कुछ देर बाद फिर से गुस्सा आ जाता है। इसके बाद से इनको शिफ्ट करके केव की ओर दिखाया जाता है, जहाँ एरिका ड्रैकुला और बाकी सभी पहुंच चुके थे। एरिका मेविस तक ये मैसेज पहुंचा देती है कि जॉन को लेकर जल्दी केव के पास आ जाए। मेविस जॉन को कैसे भी करके केव तक लेकर आती है। मेविस ड्रैकुला के पास आती है। ड्रैकुला मेविस से कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। इसके बाद जॉन आकर गुस्से से केव तोड़ने लगता है। इतने में मेविस को रेड स्टोन मिल जाता है। वो गन में स्टोन को फिट करके जॉन की ओर शूट कर देता है। तभी सनलाइट मेविस के ऊपर गिर जाती है, लेकिन मॉन्स्टर्स जो इंसान में बदल चुके थे वो सभी मेविस की मदद करते हैं। इसके बाद मेविस जॉन पर शूट करती है, लेकिन जॉन इंसान में नहीं बदलता। ड्रैकुला जॉन को शांत करने की कोशिश करती है। तभी जॉन का गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगता है। मेविस जॉन को फिर से शूट करती है। इसके बाद जॉन इंसान में बदल और फिर सारे मॉन्स्टर जो इंसान बन गए थे उन्हें भी ठीक किया जाता है। ड्रैकुला भी ठीक हो जाता है। इसके बाद सीन को एरिका और ड्रैकुला की ओर शिफ्ट किया जाता है, जहाँ एरिका ड्रैकुला से ये कहती है कि अब वक्त आ गया है कि तुम अपना प्रॉमिस पूरा करो। ये दोनों जॉन और मेविस के पास आ जाते हैं और कहते हैं कि आज से होटल ट्रांसिल्वेनिया की सारे जिम्मेदारी मैं तुम दोनों के हवाले करता हूँ। लेकिन इतने में होटल गिरकर टूट जाता है। ये सब कुछ वही क्यूट पेट जो कि मॉन्स्टर में बदल गया था उसका काम था। ड्रैकुला उस पेट को गन से शूट करके ठीक कर देता है। मेविस और जॉन ड्रैकुला से कहते हैं कि हम सब कुछ ठीक कर देंगे। डेनिस भी अब जॉन और मेविस के पास आ जाता है। इसके बाद सीन को एक साल आगे की ओर शिफ्ट किया जाता है, जहाँ सभी मॉन्स्टर्स ड्रैकुला और एरिका होटल ट्रांसिल्वेनिया के अंदर जाते हैं। ड्रैकुला देखता है कि होटल अब पूरी तरीके से चेंज हो गया है और बिल्कुल नए जैसा लग रहा है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर